दोस्तों आज मैं आपको एंड्रॉयड फोन की बिल्कुल न्यू ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके आप किसी भी फोन का रैम बढ़ा सकते हो। अगर आपके फोन के अंदर कम जीबी का रैम दिया गया है, जैसे कि 1 जीबी, 2 जीबी, 3 जीबी, 4 जीबी रैम है, तो अब आप अपने फोन में जितना चाहे उतना रैम बढ़ा सकते हो। अगर आप 2 जीबी बढ़ाना चाहें 2 जीबी बढ़ा सकते हो, 3 जीबी बढ़ा सकते हो, 4 जीबी रैम बढ़ा सकते हो, या फिर 5 जीबी, 6 जीबी, जितना भी आपकी मर्जी दोस्तों आप अपने फोन के अंदर रैम बढ़ा सकते हो। आपके पास चाहे एक लो एंड डिवाइस क्यों ना हो, सभी फोन में दोस्तों ये ट्रिक काम करेगी 101% आप अपने फोन का रैम बढ़ा पाओगे। तो उसके लिए बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहना है। तो आइए दोस्तों मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं कैसे आप अपने फोन का रैम बढ़ाओगे। इस वीडियो में मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। दोनों ही ट्रिक का यूज करके आप अपने फोन के अंदर रैम बढ़ा सकते हो। अगर आपके फोन के अंदर पहली ट्रिक नहीं मिलती है तो दूसरी ट्रिक से आप अपने फोन के अंदर रैम बढ़ा सकते हो। अगर दोनों ही ट्रिक मिल जाती है तो आप अपने फोन के अंदर ज्यादा से ज्यादा रैम बढ़ा पाओगे। तो सबसे पहले आपको सेटिंग के अंदर आना है पहली ट्रिक को करने के लिए। अब जब सेटिंग के अंदर आप आओगे तो आपको नीचे जाना है। नीचे ही दोस्तों आपको एक रैम करके सेटिंग मिल जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये सेटिंग ना सभी के फोन में होती है, तो सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है, क्योंकि अगर आपके फोन के अंदर रैम है तो रैम सेटिंग जरूर होगी। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको ये जो रैम वाला ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड रैम देखने को मिल जाता है। मोस्टली दोस्तों आजकल के सभी फोन में ये फीचर दिया गया है। अब यहीं से दोस्तों अगर आप देखोगे तो 4 जीबी तक आप अपने फोन का जो रैम है उसे तुरंत बढ़ा सकते हो। अगर आपके फोन के अंदर कम रैम है तो जैसे कि मान लीजिए 2 जीबी रैम है तो 4 जीबी ये बढ़ा दोगे तो टोटल 6 जीबी रैम हो जाएगा। लेकिन अगर 4 जीबी है तो 4 जीबी ये बढ़ा दोगे तो टोटल 8 जीबी रैम हो जाएगा। सोच रहे हो गाइस, तो तुरंत यहां से दोस्तों आप 4 जीबी बढ़ा सकते हो। हो सकता है यहां पे दोस्तों आपके फोन के अंदर और एक्स्ट्रा रैम दिया हो, जैसे कि 6 जीबी, 8 जीबी, 12 जीबी, तो आप उतना रैम यहां से बढ़ा सकते हो। तो सिंपली आपको करना क्या है, इसे ओपन करना है, यानी कि ऑन करना है। ऑन करने के लिए इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद बोलेगा कि आप अपने फोन को रीस्टार्ट करो। तो आपको सिंपली डरना नहीं है दोस्तों, रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फोन रीस्टार्ट होने के बाद दोस्तों आपको अनलॉक कर लेना है अपना जो भी पासवर्ड वगैरह है उसे डालकर। उसके बाद ये थोड़ा सा लोड होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको कुछ सेकंड वेट करना है। अब दोस्तों आपको वापस से सेटिंग के अंदर जाना है एंड सेम जगह पे आपको जाना है रैम वाले ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ रैम वाला जो सेटिंग था, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए। एंड वापस से हम रैम के अंदर आते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए पहले हमारे फोन के अंदर कितना रैम था, एंड यहाँ पे फाइनली जो सेटिंग था ये ऑन हो गया है। अब हमारे फोन के अंदर 4 जीबी एक्स्ट्रा जो रैम है वो इंक्रीज हो गई है, यानी कि बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे आपके फोन के अंदर जितना जीबी रैम बढ़ाने का सेटिंग होगा उतना आप बढ़ा सकते हो। अगर ये सेटिंग यहाँ पे आपको नहीं मिलती है ना, तो सिंपली दोस्तों आप करना क्या, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो एंड सर्च कर सकते हो एक्सटेंडेड रैम, एक्सटेंडेड मेमोरी, ये सर्च करोगे ना तो भी आपको ये सेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पहली ट्रिक हो गई जिसका यूज करके दोस्तों आप अपने फोन के अंदर 4 जीबी से, यानी कि जितना चाहे, मेरे फोन में तो 4 जीबी है, आपके फोन के अंदर 2 जीबी, 3 जीबी, 4 जीबी, 6 जीबी, 8 जीबी भी हो सकता है, तो उतना दोस्तों आप रैम बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक की, कि दूसरी ट्रिक से कैसे हम अपने फोन के अंदर रैम बढ़ाएंगे। पहली ट्रिक मान लीजिए जो मैंने अभी अभी बताया वो ट्रिक आपके फोन के अंदर नहीं है, तो कैसे आप अपने फोन के अंदर रैम बढ़ाओगे, तो उसके लिए आपको यूज करना है दूसरी ट्रिक का। तो दूसरी ट्रिक के लिए दोस्तों आपके फोन के अंदर एक छोटी सी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप आओगे तो यहां पे दोस्तों आपको मतलब कि डालना है कितना आपको रैम बढ़ाना है। अगर आप अपने फोन के अंदर 1 जीबी रैम बढ़ाना चाहते हो तो यहां पे दोस्तों आपको 512 MB यहां पे ऑटोमेटिक ये फिलअप रहेगा, आपको फिल नहीं करना है, इतना आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको यहां पे क्रिएट स्वैप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये बोलेगा वॉच एड, तो आपको यहाँ पे कुछ एड देखने होंगे, ठीक है गाइस। एक एड देखोगे तो आप एक बार अपने फोन का रैम बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे आपको वॉच एड के ऊपर क्लिक करके एक एड देख लेना है। जैसे दोस्तों ये जो एड है ये कंप्लीट हो जाएगा, आपके फोन के अंदर इसे जो है कट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए एंड यहाँ पे यस के आइकॉन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके फोन के अंदर सक्सेसफुली दोस्तों जो रैम है वो इंक्रीज होगा। जहां दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली हमारे
हमारे फोन के अंदर 512 MB का जो रैम था वो इंक्रीज हो गया, यानी कि 1/2 GB। अब वापिस से अगर 512 MB का आप एक बार फिर से क्रिएट कर देते हो तो आपके फोन के अंदर टोटल 1 GB रैम बढ़ जाएगा। ऐसे ही कर करके दोस्तों आप अपने फोन के अंदर 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB रैम बढ़ा सकते हो, जितना आपको अपने फोन के अंदर रैम को बढ़ाना है। समझ गए गाइस ये कितना इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। जितना आप रैम बढ़ाना चाहें उतना आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन जो साइज आप डालोगे वो आपको MB में डालना है, ये नहीं कि आप यहाँ पे GB में डाल सकते हो, MB में आपको डालना है। उसके बाद आपके फोन के अंदर स्टोरेज खाली होना चाहिए, क्योंकि जितना आप यहाँ पे डालोगे उतना स्टोरेज ये आपके फोन के अंदर का कंज्यूम करेगा, उसके बाद उसे रैम में मतलब कि कन्वर्ट करेगा। तो ये दो ट्रिक मैंने आपको बताए हैं जिसका यूज करके आप अपने फोन के अंदर जितना मर्जी चाहे उतना रैम बढ़ा सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये दोनों ही ट्रिक पसंद आए होंगे, दोनों ही बिल्कुल सेफ एंड न्यू ट्रिक है जिससे आप अपने फोन के अंदर रैम को बढ़ा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करो, शेयर करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।